सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? बच्चों, मैं आपको पाठ दो का अभ्यास करवा रही थी। आज उससे आगे देखिए, प्रश्न चार, रेखांकित पदानी आदित्य प्रश्न निर्माण करो। अब समझिए बच्चों, रेखांकित, रेखा अंकित है पदानी, जिन पदों के नीचे पद होते हैं शब्द, जिन शब्दों के नीचे रेखा लगी हुई है उनको के लिए प्रश्न निर्माण को मतलब करो। तो आपको उत्तर मिलेगा, ऐसे प्रश्न में क्या मिलेगा बच्चों? उत्तर, पर आपको उसका प्रश्न बनाना है। तो देखिए, पहला शुद्धार्थ है सिंह कुत्रापि आहार प्राप्त हुआ है, ये आपका वाक्य है। इसमें शुद्धार्थ, शुद्धार्थ मतलब भूख से या शेर जो है वो कुत्रापि मतलब कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं करता है, जो गुफा शेर है उसको कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं होता है। तो आपको ऐसा प्रश्न बनाना है जिसका उत्तर निकले भूखा। क्या प्रश्न बनाओगे फिर आप? जिसका उत्तर निकले भूखा कि किस प्रकार का शेर जो था उसको भोजन प्राप्त नहीं हुआ, भूख शेर कैसा था, तो हमें आंसर तब मिलेगा कि शेर शुद्धार्थ था, भूख से व्याकुल था या भूखा था। तो हम शुद्धार्थ की जगह क्या लिखेंगे? कीदृश है। क्या लिखेंगे बच्चों? कीदृश है। कीदृश है मतलब कैसा, कैसा शेर भोजन प्राप्त नहीं करता है, शुद्धार्थ है, भूख से व्याकुल। आगे देखिए, दधि इच्छा नाम श्रीगान है गुहाया दधी कुछ, ये गीदड़ का नाम है, दधी कुछ नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था, स्वामी मतलब मालिक, गुफा का मालिक दधी कुछ नाम का गीदड़ था। तो आपको प्रश्न ऐसा बनाना है जिसका उत्तर निकलेगा दधी कुछ। तो हमें ये प्रश्न बनाना है कि गुफा का स्वामी जो गीदड़ था उसका क्या नाम था, तो क्या की संस्कृत बनेगी आपकी? किम। तो आपको दधी कुछ की जगह किम लिखना है, उसके बाद ये यू का यू जैसा लिखा है ऐसा ऐसा वाक्य लिखना है, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, प्रश्न मार्क लगाना है, तो आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा, प्रश्न निर्माण हो जाएगा। समझ आया बच्चों? आगे देखिए, ऐशा गुहा स्वामी ने सदा आवाहन करोगी, अर्थ समझो, यह गुफा, ऐशा गुहा मतलब यह गुफा स्वामी ने मालिक को सदा मतलब हमेशा आह्वान करती का मतलब बुलाती है, यह गुफा हमेशा मालिक को बुलाती है या फिर मालिक का आह्वान करती है। तो यह गुफा किसका आह्वान करती है, हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? यह गुफा किसका आह्वान करती है, तो जो किसका शब्द है वो इस स्वामी ने जगह लगेगा, तो वो वर्ड है आपका। तो आपको स्वामी ने को हटा देना है और पूरा वाक्य वैसा का वैसा लिखना है, स्वामी की, स्वामी ने के लिए कस्य को लिखना है, और बाद में आपका फिर प्रश्न पत्र चिन्ह लगेगा। समझ आ गया? आगे देखिए, वयस्त्रस्त मनसा हस्त पाद आदि क्रिया ने परिवर्तन के, वैसे ग्रसित मन वालों के, वैसे ग्रसित मन वालों के हाथ पैर आदि क्रिया नहीं करती है या हमें लिखना है, वह स्त्रस्त मनसा का मतलब क्या, ठीक है ना, वैसे ग्रसित मन वालों के का लिखना है आपको, ये का जो है वो यहाँ का क्रिया ने परिवर्तन कर देंगे, वैसे ग्रसित मन वालों के क्या काम नहीं करते हैं, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला देखो, आवाने शिकार है बिले प्रविश्य सिंह सिंहस्थ भोजन भविष्य, आवाने बुलाने से जो शिकार है गीदड़ है वो गुफा में प्रवेश करके शेर का भोजन बन जाएगा। हिंदी समझ आई बच्चों? अब इसमें हमें ऐसा कुछ बनाना है प्रश्न
पांच मैं आपको बाद में करवाऊंगी, पहले प्रश्न छह देखिए। Thank you.
काम हो रहा है, क्रिया पद है। तो जो ये वाक्य दिया है हमें इसमें क्रिया क्या है? शेर के पैरों के निशान तो क्रिया नहीं है, गुफा भी क्रिया नहीं है, प्रवेश का मतलब प्रवेश करना, ठीक है। जैसे तो यहाँ पर प्रवेश करना जो है क्रिया है, ठीक है। तो प्रविष्टा इति क्रिया पदम अर्थ, यहाँ पर शब्द प्रविष्टा जो है वो क्रिया है। समझ आ गया? इसका एक भाग यहाँ करवा रहे हैं बच्चों। वने अर्थ संस्थस्य समागतायया अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम्। वाक्य देखिए, वने आती थी वो आपके अव्यय शब्द थे, तो इनमें इस वाक्य में आपको अव्यय पद